नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अशोक का पौधा आप कैसे लगा सकते हैं। अशोक में काफ़ी सारे लोग डिमांड करते हैं। ये जो आप बीज है अशोक में पौधे में, ये जो लगते हैं बीज, करीब अगस्त सितंबर महीने में इस तरह की बीज आती है, उसमें फल लगते हैं, उसके बीज इस तरह के आती है और वो जब जर्मिनेट कर जाते हैं तो इस तरह के दिखते हैं, इस तरह के जड़ें निकलती है इसमें पानी लगने के बाद। ये थोड़े पुराने हो गए, ख़राब हो गए, तो हम इसमें लगाएंगे नहीं। आपको जो लगाना है ये आगे बजरी या फिर रेत, जो वो बोलते हैं इसको कंस्ट्रक्शन रेत, कंस्ट्रक्शन की बजरी, इस तरह के मोटे दाने की बालू लीजिए। और ये जो पौधे आप देख रहे हैं अशोक के पौधे, आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह कितने बड़े बड़े पौधे हैं अशोक के। और इसको हम बंगला में यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में उइपिन कहते हैं, उइपिन का पौधा। और ये हर नर्सरी में बिक जाता है, मिल जाता है, हर नर्सरी में आप ले सकते हैं इस तरह के पौधे। अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह का जो बीज है, बीज आप लीजिए और ये नीचे दबा दीजिए, अंदर करीब 1-2 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये पौधे जब निकलेंगे तब थोड़ा 1-2 इंच का गैप होगा तो अच्छा रहेगा। ये हमने अंदर घुसेर देते हैं इसको। और बहुत आसान तरीका है, आपको इतना पैसे खर्च करके आपको उइपिन के पौधे या फिर अशोक ट्री के पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पार्क में जाएंगे जहां पर आप पौधे देखेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर में वहां पर फल लगते हैं, और बीज लगने के बाद सितंबर महीने में या अगस्त महीने में आप देखेंगे बीज लगती है, वो बीज ले आइए। और बीज लाने के बाद इस तरह से आप जो बालू है, रेत है, उसको करके दबा के इसमें आप क्या करना है, पानी अच्छी तरह से इसको पानी स्प्रिंकल कर देना, पानी स्प्रिंकल कर दे। आप ध्यान दें इसको सेमी से एरिया में रखें और हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद इसको पानी देते रहें। ये सूखा नहीं होना चाहिए, इसको मॉइस्ट होना चाहिए। और करीब 1 से 1.5 महीने लगेंगे, इसमें से छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे 1-1.5 महीने बाद पौधे। दोस्तों, ये 20 दिन बाद का नज़ारा आप देखिए, काफ़ी सारे जो बीज है वो अंकुरण हो गए हैं और करीब 2-3 इंच लंबे भी हो गए हैं पौधे जो निकले हैं। और अभी काफ़ी सारे बीजों का अंकुरण आना और भी बाकी है और वो उम्मीद है कि और 10-12 दिन में सारे जितने भी बीज मैंने डाले थे सारे का अंकुरण हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब पौधे थोड़े बड़े होते हैं उसके बाद दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं पौधे, ये बीज से हो गए हैं, करीब 2 महीने हुए हैं इसमें और ये देखिए कितने अच्छे पौधे हुए हैं। और इस तरह के पौधे आप कोई भी नर्सरी में खरीदें, करीब 100-150-200 रुपया लेते हैं और आप देखिए मुफ्त में आप आसानी से ले सकते हैं। और ये देखिए इस तरह के पेन लीजिए, पुरानी पेन, और बिल्कुल नीचे से एकदम सपोर्ट दीजिए ताकि इसकी जो जड़ें हैं ये रूट बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए बिल्कुल धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दे के आप इसमें से निकालें ताकि जो रूट्स हैं बहुत लंबी तक जाती है ये रूट्स। ये देखिए कहाँ तक गई है रूट्स, ये देखिए इतनी लंबी रूट्स हैं, इस तरह से निकाल लीजिए आप। निकालने के बाद मैं अभी इसको रीप्लांटिंग करने वाला हूँ। देखिए इस तरह का पौधा है और ये 2 महीने में तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सॉइल मिक्स आप क्या लेना है, 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए या फिर 70% गार्डन सॉइल और 30% वर्मी कॉम्पोस्ट ले लेते हैं। और ये हम 3 इंच के गमले में पहले ट्रांसप्लांट करेंगे और बाद में अगर सब ठीक ठाक रहा तो 2 महीने बाद अगर चाहते हैं आप 5 इंच या 7 इंच या 8 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये एबोनी ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये देखिए ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ पर से थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, 3 इंच के गमले में ले रहे हैं आप, 5 इंच 7 इंच 8 इंच के गमले में ले सकते हैं। ये देखिए ये बीज है, ये बीज यहाँ पर लगी हुई है और इसको थोड़ा जो रूट लंबी है इसलिए हम थोड़ा सा राउंड कर लेंगे इसको। राउंड नहीं करने से क्या होगा, ये थोड़ी आपकी जगह जो है कम पड़ जाएगी। और इसको आप अंगुली से, हाथों से अच्छी तरह से दबा दीजिए ताकि ये जो पौधा है ठीक सेटिंग हो जाए। ये भी देखिए ये भी रूट काफ़ी लंबी है। अब होने के बाद आप क्या करना है, इसको आप पानी दे देना है और सेमी से एरिया में 5-7 दिन रख दें। 5-7 दिन बाद आप इसको
बिल्कुल धूप में रख दें और करीब 2-3 महीने आप इस गमले में आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद आपके 8 इंच 10 इंच के 12 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। चाहे तो आप गार्डन में ट्रांसप्लांट करें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा विपिन या फिर अशोका की पौधे की बीज से ग्रोइंग। तो आप जो भी हैं नर्सरी वाले हैं या घर में हैं, आप कहीं से भी इसका बीज कलेक्शन कर लीजिए और आप मुफ्त में काफ़ी सारे अशोका के पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी भाषा में नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के चैनल में वीडियो में लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।